बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 740 डिनोमिनेटर में 19 माइनस x माइनस 779 डिनोमिनेटर में 20 माइनस x। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करें। कंडीशन x हमारे पास रियल नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन से और इन से ये डिनोमिनेटर में जो भी है इनसे माइनस काम ले लेंगे। तो हाँ, x इज इक्वल टू 740 इनको अपनी जगह लिख देंगे, नीचे इनसे माइनस काम ले लेंगे। तो यहाँ एक्स माइनस 19 माइनस इसी तरह यहाँ 779 इनको अपनी जगह, नीचे डिनोमिनेटर में इनसे माइनस काम ले लेंगे। तो यहाँ एक्स माइनस 20। फिर क्या करेंगे, यहाँ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट के अंदर यहाँ ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ इनको लिख देंगे 779 डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 20 और ये माइनस साइन के अंदर लिख देंगे 740 डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 19। फिर क्या करेंगे, फिर इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट के अंदर यहाँ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम तो आ जाएगा एक्स माइनस 19 एक ब्रैकेट में दूसरे में एक्स माइनस 20। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 779 और एक्स माइनस 19 माइनस 740 ब्रैकेट में एक्स माइनस 20। फिर क्या करेंगे, यहाँ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई 779 एक्स इनसे माइनस 14,801। इसी तरह इधर भी इनके साथ है इनसे माइनस 740 एक्स और इनसे प्लस माइनस माइनस प्लस 14,800। जबकि नीचे डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 19 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 20 को लिख देंगे। तो यहाँ x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट के अंदर इनसे आ जाएगा 39x और इनसे आ जाएगा माइनस 1 डिनोमिनेटर में x माइनस 19 एक ब्रैकेट में दूसरे में x माइनस 20। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 39x माइनस 1 डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 19 एक ब्रैकेट में दूसरे में एक्स माइनस 20। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ। एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट में एक्स माइनस 19 एक में दूसरे में एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 39x माइनस 1। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वेयर इनसे एक्स स्क्वेयर माइनस 20x इनसे माइनस 19x प्लस 380 इज इक्वल टू 39x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर इनसे माइनस 39x प्लस 380 इज इक्वल टू 39x माइनस 1। फिर इसके साथ इनसे एक्स पावर 4
माइनस 39x³ प्लस 380 x² इज इक्वल टू 39x माइनस 1। फिर क्या करेंगे इन दोनों को इस साइड वाला x पावर 4 माइनस 39x³ प्लस 380x² माइनस 39x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे दोनों साइड को डिवाइड करेंगे x² इनको भी x² तो यहाँ इनको इस वाले वाले यहाँ x² इनसे माइनस 39x इनसे प्लस 380 इनसे माइनस 39 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे यहाँ x² प्लस 1 ओवर x² इनसे माइनस 39 ब्रैकेट में x प्लस 1 ओवर x प्लस 380 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे यहाँ x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 2 माइनस 2 यहाँ लिख देंगे माइनस 39 ब्रैकेट में x प्लस 1 ओवर x प्लस 380 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इनसे कॉली फार्मूला के मुताबिक एक्स प्लस वन और एक्स होल स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक माइनस 39 ब्रैकेट में एक्स प्लस वन ओवर एक्स और इनसे प्लस 378 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे ये और ये सेम है तो लेट ले लेंगे एक्स प्लस वन ओवर एक्स को किसके बराबर टी के बराबर। तो यहाँ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 39t प्लस 378 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ टी स्क्वायर इनको लिख देंगे माइनस 18t एंड माइनस 21t प्लस 378 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे इनसे टी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ टी माइनस 18 इनसे माइनस 21 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ टी माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये यानी टी माइनस 18 ये सेम इनको एक ब्रैकेट में ले देंगे दूसरे में टी माइनस 21 इज इक्वल टू 0। हमारे बाद इक्वेशन आ जाएगी टी माइनस 18 इज इक्वल टू 0 दूसरा टी माइनस 21 इज इक्वल टू 0। माइनस 18 को साइड पर लाए टी इज इक्वल टू 18 21 के साइड में टी इज इक्वल टू 21। फिर क्या करेंगे रिकॉल करेंगे रिकॉल में क्या करेंगे टी को हमने किसके बराबर लिया था एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 18 इस टी के जगह भी एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 21। फिर क्या करेंगे दोनों साइड के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी तरह इधर भी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी तो यहाँ इनसे x² प्लस इनसे 1 इज इक्वल टू 18x तरह इधर x² प्लस 1 21x। फिर क्या करेंगे इनको इस साइड बनाया है x² माइनस 18x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दूसरा इनका सब x² माइनस 21x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ a किसके बराबर 1 के b किसके माइनस 18 के और c 1 के। यहाँ a किसके बराबर है 1 के b किसके माइनस 21 के और सी वन के। फिर इनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फुट करते हो क्या है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिनोमिनेटर में टू ए। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी के स्क्वायर माइनस एटीन, सॉरी यहाँ माइनस रह गए माइनस एटीन, तो यहाँ प्लस एटीन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस एटीन का स्क्वायर ले तो 324 और माइनस फोर ए सी की जगह माइनस फोर, नीचे डिनोमिनेटर में टू ए की जगह टू। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस इनसे 320 डिनोमिनेटर में टू, 320 को इस तरह लिख सकते हैं ना कि 64 मल्टीप्लाई 5, फिर 64 से 8 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ 320 की जगह इनको लिख देंगे 18 प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट 5 डिनोमिनेटर में 2, फिर इनसे 2 को कम ले लेंगे तो यहाँ 2 कम ले लिया, 9 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 5, नीचे डिनोमिनेटर में 2, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास पहली और दूसरी वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी तो माइनस 21, तो प्लस 21 प्लस माइनस 21 स्क्वायर 441, माइनस फोर ए सी की जगह माइनस फोर, डिनोमिनेटर में टू ए की जगह टू। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस इनसे 437 डिनोमिनेटर में टू। तो हमारे पास एक्स की तीसरी और चौथी वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया जबकि पहली और दूसरी ये आई थी।